हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन हमने एक्सप्रेशन निकाले थे। याद होगा आपको ई एक्सियल हमने निकाला था छोटे डाइपोल के लिए 2 kp/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला था जो इसकी हाफ वैल्यू थी kp/r³। और डायरेक्शन लिखी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन तो क्या आया था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इसमें आया था एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये तो एक्सियल लाइन और ये इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन को हम एंड ऑन पोजिशन भी बोलते हैं और इक्वेटोरियल लाइन को हम ब्रॉड साइड पोजिशन भी बोलते हैं। ब्रॉड साइड एंड ऑन पोजिशन एंड ब्रॉड साइड पोजिशन। अब इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी किसी जनरल पॉइंट पी पे जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस पे और थीटा डायरेक्शन के अंदर। अगर इस थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री लिख ले तो एक्सियल लाइन का रिजल्ट आ जाएगा, और थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट। देखिए कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट जो एट एनी पॉइंट है सो इसको हम पी पॉइंट लिख देते हैं। द कोऑर्डिनेट्स हैज आर थीटा। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डाइपोल है से डिनोटेड बाय से ±2, 2a सच दैट इट्स डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू 2aq। और आपको पता था डाइपोल मोमेंट की हम डायरेक्शन लेते थे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम यहाँ का क्या करते हैं कि इस डाइपोल जिस डाइपोल मोमेंट पी मैग्नीट्यूड की है और वो सपोज इस डायरेक्शन में अलोंग ए बी, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट इसे पी, और इसको मैंने ए बी से लिख दिया डाइपोल मोमेंट को। से इसका ए पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा और बी पे से पॉजिटिव चार्ज, और इस डाइपोल का जो सेंटर है से सेंटर ऑफ द डाइपोल सपोज हमने मान लिया सपोज ओ पॉइंट, और इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो पॉइंट फील्ड पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो सपोज यहाँ है पी पॉइंट कैपिटल पी से लिखा, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे और थीटा डायरेक्शन पे, थीटा एंगल बना करके इसके साथ थीटा एंगल बना करके। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर निकालनी, तो पहले हम क्या करते हैं कि इस पी पॉइंट के लिए अगर ये वाली लाइन हम लिखें तो ये इसकी एक्सियल लाइन होगी इस पी पॉइंट के लिए, और इस सेंटर ओ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और ये जो इसके परपेंडिकुलर होगी ये लाइन से इसको मैंने नाम दे दिया A2B2, और इस लाइन को नाम दे दिया मैंने A1B1 की डायरेक्शन। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इस P को रिजोल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि रिजोल्विंग P अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे एज पी कॉस थीटा, पी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, ये किधर की तरफ होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इस पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सो अलोंग से A1 B1, और इसको मैंने लिख दिया से पी अलोंग द लाइन है इसलिए पी पैरेलल लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड इसका जो कंपोनेंट हो गया
पी इस अलोंग द लाइन के परपेंडिकुलर मींस अलोंग ए टू बी टू उसको पी परपेंडिकुलर लिख दिया एंड दैट विल बी ऑब्वियसली पी साइन थीटा और ये किधर होगा अलोंग ए टू बी टू होगा और ए टू बी टू किसके परपेंडिकुलर है ए वन बी वन के परपेंडिकुलर है। अब आपको ये पता था कि अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था कि एक्सियल पे फील्ड जो होता है वो आता है टू के पी बाई आर क्यू और इक्विटोरियल के लिए होता था के पी बाय आर क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ये उनके जो डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे जिसके लिए जो कंपोनेंट लिख दिया जाए वो पी एक्सियल लिख दिया जाए इसके लिए जो कंपोनेंट वो पी परपेंडिकुलर वाला लिख दिया जाए। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा कौन सी लाइन के अलोंग ए वन वी वन मीन्स एक्सियल लाइन के अलोंग और ऐसे ये वाला जो पी साइन थीटा वाला करेगा ये इक्विटोरियल लाइन के अलोंग मीन्स अलोंग ए टू बी टू लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। सो आप ये कहोगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण से पी पैरेलल एट पॉइंट पी वो क्या होगी बताइए। उसको मैंने सपोज ई वन लिख देते हैं या मैं ई पैरेलल लिख देता हूँ कितना होगा टू के पी पैरेलल और बाय कितना भाई आर क्यू और डायरेक्शन किधर होगी अलोंग ए वन बी वन ए वन बी वन के अलोंग हो गया से मैंने इसको ई वन से लिख दिया ई वन या ई पैरेलल लिख के ठीक है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें ड्यू टू पी जो ए टू बी टू के अलोंग है मीन्स पी साइन थीटा जो पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एट पॉइंट किस पे पी के ऊपर ही तो दैट विल बी व्हाट ई परपेंडिकुलर और कितना होगा के पी परपेंडिकुलर और बाय आर क्यू। यहाँ हम साथ के साथ ये और लिख देते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी थी। तो आपने ये कहा कि फर्स्ट कैसा बन जाएगा ई पैरेलल इज इक्वल टू टू के पी पैरेलल की वैल्यू कितनी है पी कॉस थीटा तो ये मैंने लिख दिया पी कॉस थीटा ये किसके लिए लिख दिया आपने पी जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था और डिवाइडेड बाय आर क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था अलोंग किधर आएगी ए वन बी वन ऐसे इसका पी परपेंडिकुलर की भी वैल्यू लिख देते हैं तो के पी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है भाई पी साइन थीटा सो पी साइन थीटा और बाय आर क्यू ये डायरेक्शन किधर थी अलोंग ए टू बी टू तो आपके पास ये वैल्यू बन गई ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू के पी साइन थीटा और बाय आर क्यू और इक्वेशन नंबर से सेकेंड और डायरेक्शन है अलोंग ए टू बी टू। इसका मतलब हमारे पास दो फील्ड आ गए ई वन और ई टू ई वन और ई टू कहते या इनको ही पैरेलल और ही परपेंडिकुलर से इंडिकेट कर दिया। अब ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ई वन और ई टू के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट है तो ई टू की जो डायरेक्शन है वो किधर है अलोंग ए टू बी टू तो ए टू बी टू की डायरेक्शन ये होगी सो दैट इज ई परपेंडिकुलर। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे पैरेलोग्राम ला कंप्लीट करेंगे पैरेलोग्राम कंप्लीट करी इस एज से इसके पैरेलल ये हो गई ऐसे इस वेक्टर से इस वेक्टर इस एज से इस वेक्टर के पैरेलल ये आपने ड्रा करके तो आपका पैरेलोग्राम कंप्लीट हो गया। सपोज मैं इस पैरेलोग्राम का नाम देता हूँ उसे के एल एम और एन या पी क्यू आर एस डाल लीजिए पी सी क्यू और ये हो गया आर और ये सपोज एस पी क्यू आर एस डाल देते और पैरेलोग्राम का जो डायगनल है वो रिजल्टेंट को इंडिकेट करेगा तो ये आपका पास सपोज रिजल्टेंट हो गया तो ये रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी होगी से ई आर और रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इस ई वन के साथ कितना एंगल बना रही है उस एंगल को सपोज हम इंडिकेट कर देते से अल्फा से सो ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को बता देगा ठीक है। तो अब आप क्या करिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं नाउ ई रिजल्टेंट कैसे निकले अभी बताइए ई वन स्केयर प्लस ई टू स्केयर प्लस टू ई वन ई टू और कॉस उनके एंगल बीच में तो ई वन और ई टू के बीच में जो एंगल है वो कितना है टोटल 90 डिग्री है सो कॉस 90 कितना होता है हमारे पास जीरो ये टर्म हट जाएगी सो ई रिजल्टेंट जो आएगा और रिजल्टेंट भी कहाँ पे निकाल रहा
एट एनी डिस्टेंस आर मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इसको मैं ई आर थीटा लिख देता हूँ, ई आर थीटा, तो कितना आएगा ये ई वन क्या है आपके पास, ई पैरेलल स्केल, और ई टू क्या है, ई परपेंडिकुलर स्केल, और इन दोनों की वैल्यू इस रिजल्ट के अंदर पुट कर दें से इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, तो बताइए क्या आएगा, देयरफॉर ई आर थीटा, बताइए क्या आएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास kp by r cube दोनों के अंदर, इसके अंदर 2 cos theta, इसके अंदर केवल sin theta है, तो मैं जब इनका स्केयर लिखूंगा, सपोज मैंने एक बार वैल्यू लिख देता हूँ, तो 2kp cos theta और by r cube और इसका स्केयर प्लस kp sin theta और डिवाइडेड by r cube का स्केयर और विद इन अंडर रूट 8। अब यहाँ देखेंगे kp by r cube का स्केयर यहाँ से भी आएगा और kp by r cube का स्केयर यहाँ से, और स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज दैट ई आर थीटा दैट विल बी के पी बाई आर क्यूब, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होकर के आ गया बाहर, और ये बचा अंदर कितना भाई, 2 का स्केयर कितना 4 और कॉस स्केयर थीटा, 4 कॉस स्केयर थीटा फर्स्ट टर्म में, तो सेकेंड टर्म में क्या बचा, के पी बाई आर क्यूब चला गया, तब कितना साइन स्केयर थीटा, अब ये 4 कॉस स्केयर थीटा थे, इसमें एक कोस के थीटा इसको दे देता हूं ताकि कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा वन हो जाए, सो इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट ई आर थीटा दैट विल बी के पी बाय आर क्यूब और अंडर रूट ऑफ ये हो गया 3 कोस के थीटा इसके पास रहेगा और ये कोस इसको दे दिया हमने कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा और ये कोस के प्लस साइन के थीटा रिजल्ट होता है 1, सो इट मींस दैट दिस ई आर थीटा विल बी के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस के थीटा प्लस 1, तो ये आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट का एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन नंबर ये हो गया प्लस 4। अब यदि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें, इस थीटा को हम 0 कर दें, तो इस लाइन के अलोंग हो जाएगा, इसी लाइन के अलोंग तो थीटा 0 रखेंगे तो कोस 0 होता है 1 पे, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना 4, और 4 का रूट कितना जाएगा 2, तो यहाँ 2 फैक्टर लग जाएगा, 2 के पी बाई आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 के पी बाई आर क्यूब होती थी एक्सी लाइन पे, और अगर इक्वेटोरियल लाइन की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेटोरियल का होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री करेंगे तो कोस 90 होता है 0, ये टर्म हट जाएगी, 1 का रूट 1 हो गया, सो के पी बाई आर क्यूब ये वाला रिजल्ट याद करते हैं, तो इसका मतलब इस रिजल्ट से दोनों रिजल्ट इसके स्पेशल केस के तौर पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं से आपके पास पी आर एस, तो पी आर एस में ये वाली डायरेक्शन तो क्या है ई पैरेलल, ये वाली क्या है ई परपेंडिकुलर, तो इसको ई परपेंडिकुलर कह दिया मैं। ठीक है, और रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पे आप ट्राइंगल बना लीजिए, सपोज ये आपके पास है ई परपेंडिकुलर और ये ई पैरेलल, ये राइट एंगल, यहाँ पे एंगल अल्फा, और ये आपके पास हो गया ई आर। ठीक है, तो अब हमने निकालना है डायरेक्शन, निकालते हैं किसे, टेंजेंट ऑफ अल्फा से, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर में अगर रिजल्ट यूज करें ई टू साइन थीटा और ई वन प्लस ई टू कोस थीटा, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो ई टू बाई ई वन ही आ जाएगा टर्म, तो आप ये लिख सकते हो कि टेंजेंट अल्फा कैसे निकलेगा बताओ, परपेंडिकुलर टू द बेस, क्योंकि ये जो 90 डिग्री और ये एंगल बने होती है साइड होती है बेस, और 90 डिग्री को जी भी होगी हाइपोटेन्यूस, तो ये बनेगा आपके पास परपेंडिकुलर, और टेंजेंट निकलता परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द बेस टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर हो गया ई परपेंडिकुलर टू द ई बेस, सॉरी ई एक्सियल, तो अब इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो टर्म आ गई क्या होता है के पी साइन थीटा बाय आर क्यू, और नीचे होगी कितनी 2 के पी कोस थीटा बाय आर क्यूब, तो के पी बाय आर क्यूब से के पी बाय आर क्यूब कट गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा हो गया टेंजेंट थीटा, सो आपके पास रिजल्ट हो गया ही टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर आपको नोन है तो उससे अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट 5 हो गया, तो 4 और 5 रिजल्ट आपने ध्यान रखने। अब अगर स्पेशल केस के तौर पर हम ध्यान रहे केस फर्स्ट, कि जब आपके पास थीटा 0 डिग्री हो मीन्स अलोंग एक्सियल लाइन, तो रिजल्ट आपके पास एक तो चाहिएगा एक्सप्रेशन में कोस, और यहाँ इसके अंदर चाहिएगा टेन, तो कोस 0 डिग्री होता है 1
और टेन जीरो डिग्री भी होता है जीरो, टेन जीरो होता है जीरो और कोस जीरो होता है वन। तो देन आपके पास रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी पी आर थीटा जो कि कौन सी लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन के लिए हो जाएगा। और फैक्टर इसके अंदर पुट करिए कि पी वाई आर क्यू अंडर रूट ऑफ थ्री कोस के थीटा, कोस जीरो कितना है वन, तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, फोर का अंडर रूट कितना जाएगा टू, तो दैट विल बी टू के पी वाई आर क्यू। डायरेक्शन की बात करोगे तो टेंजेंट ऑफ अल्फा कितना आएगा यहाँ पे वन बाई टू टेंजेंट ऑफ जीरो, और टेंजेंट जीरो कितना होता है जीरो, सो होल टर्म विल बी जीरो। यहाँ पे अल्फा भी कितना आ जाएगा जीरो डिग्री। अल्फा जीरो डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी वो एक्सियल लाइन के अलोंग मींस पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। ऐसे ही केस सेकंड आप निकाल सकते हो इक्विटोरियल लाइन के लिए, तो इक्विटोरियल लाइन के लिए थीटा 90 डिग्री रखोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी के पी बाय आर क्यू, क्योंकि कोस 90 होता है जीरो, थीटा मिट जाएगी। तो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द टर्निंग पॉइंट आर थीटा, ऐसे पॉइंट पी पॉइंट पे जहाँ पे उसकी डिस्टेंस सेंटर से आ रहा है और एक्सिस से जो डायरेक्शन है वो थीटा है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेनेवर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक बात ध्यान रखनी है क्योंकि हमें ये पता है कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो फोर्स अगर लिखते हैं तो दैट इज एक्ट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। कि सपोज मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की से नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट तो रिपेल करेगी और नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगी, तो इसके ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलग का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जबकि अगर बात करेंगे चार्ज अगर नेगेटिव है तो इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी और नेगेटिव रिपेल करेगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी, ये रिजल्ट अपने पास यूज भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स होगा दैट विल बी क्यू इंटू ई, मीन्स फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, दैट इज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है। सेकंड दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि चार्ज अगर आपके पास नेगेटिव हो तो देन फोर्स विल बी क्यू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के। अब अगर हमारे पास हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल में तो दोनों ही चार्जेस होते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। तो अगर सपोज मेरे पास कोई डाइपोल है और उस डाइपोल को मान लीजिए सपोज मेरे पास डाइपोल है और ये किसी डायरेक्शन में रखी हुई है, सपोज ये इसका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो आप ये कहोगे अगर ये फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है और ये फील्ड की नेगेटिव प्लेट है तो इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अलग का डायरेक्शन होगा फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दो फोर्स बन गए, एक F1 और एक F2, क्योंकि डाइपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेज, दोनों फोर्सेज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, F1 और F2 दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा क्यों होकर, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं पेयर को कपल, और कपल क्या करता है, कपल गिव राइज़ टू टॉर्क, कपल एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो कपल बन गया आपके पास, और कपल जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो टॉर्क वैसे लिखते हैं जो फोर्स है इनटू द लेंथ ऑफ आर्म, लेंथ ऑफ आर्म मींस उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से हम यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे और ये डाइपोल लेंथ अगर 2a तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और फोर्स को परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द टॉर्क। सो लेट अस फाइंड इट।
हम ये टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालते हैं और ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आपके पास रहेगा पी साइन साइन कॉन्सेप्ट हम समझ आइडिया को हम यूज कर लेते हैं देखिए क्या है पहले तो आपने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दीजिए सो दिस आर्टिकल इज टॉर्क ऑन द डाइपोल टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सपोज एक कोई डाइपोल मान लेते हैं प्लस माइनस क्यू कॉमा टू ए सच दैट इसकी जो डाइपोल मोमेंट है पी गुड टू ए क्यू मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है कहां से होती डाइपोल की मीन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगी ठीक है अब ये रखी कहां पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इज इंक्लाइन एट एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद में तो हमने डाइपोल मान ली और डाइपोल के ये चार्जेस मान ली सपोज एक चार्ज को सपोज हमने चार्ज कर लिया नेगेटिव चार्ज और दूसरे चार्ज को हमने सपोज नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यू ये क्यू नेगेटिव और इसके जो डाइपोल है उस डाइपोल की लेंथ हमने मान ली टू ए टू ए इज द डाइपोल लेंथ और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और इस डाइपोल मोमेंट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके साथ से कितना एंगल बना लिया थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा अब इस पॉइंट को से ये बोल दिया हमने और इस पॉइंट को भी बोल दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज रखा है बी के ऊपर उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज जो कि कहाँ पे रखा है बी पे रखा हुआ है वो फोर्स कितना होगा से इस फोर्स को मैं इंडिकेट कर देता हूँ एफ वन से दैट एफ वन विल बी व्हाट दैट इज चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू E, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी सेम दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी तरह से हमने फोर्स लिख दिया फोर्स ऑन माइनस टू चार्ज जो कहां पे रखा हुआ है ए पे रखा हुआ है उसके कारण से जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको से मैं एफ टू से इंडिकेट कर देता हूँ दिस इज से एफ टू तो ये आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया एफ टू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके अपोजिट होगी फोर्स के तो फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखूँ तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है अपोजिट है सो क्लियरली F1 and F2 are equal in magnitude and that magnitude is QE और direction की opposite है so here F1 and F2 being equal to magnitude में और direction भी opposite है so being equal and unlike forces अगर कोई दो फोर्स एक ही पॉइंट पे कर रहे हो अलोंग डिफरेंट लाइंस सॉरी अलोंग द सेम लाइन इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस तो दैट दे कैंसिल सी अदर देन आइदर प्रोड्यूसेस ट्रांसलेशन नॉर एनी रोटेशन लेकिन अगर मान लीजिए सपोज ये कार का स्टीयरिंग मान लिया हमने ये एक्सल मान लिया और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया इधर की तरफ से एफ और एक फोर्स ये तो दोनों फोर्सेज यहाँ पे कैसे हैं इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन इनकी अनलाइक है एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दे विल फॉर्म ए कपल वो एक कपल बना लेते हैं और कपल प्रोड्यूसेस टॉर्क कपल टॉर्क प्रोड्यूस करती है और टॉर्क निकलता है फोर्स इनटू द लेंथ ऑफ आर्म मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू अनलाइक फोर्सेस तो यहां पे हमने कहा कि एफ1 एंड एफ2 बीइंग इक्वल इन अनलाइक फोर्सेस फॉर्म एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन डिफरेंट
लाइंस ऑफ एक्शन फॉर्म्स ए कपल, फॉर्म्स ए कपल एंड दिस कपल गिव राइज टू ए टॉर्क. ये कपल एक टॉर्क प्रोड्यूस करते, गिव राइज टू ए टॉर्क. और टॉर्क का काम क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स को टॉर्क कहते हैं. तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट. तो इसका मतलब अपने पास कपल तो बढ़ गई, लेकिन कपल के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम यहां क्या कर देते हैं, बी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, से डीएम परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो ड्रा डीएम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ ये डिस्टेंस जो बी एम है ये आर परपेंडिकुलर होगा, ये आर परपेंडिकुलर निकालना है. तो ये अगर एंगल थीटा और ये 90 डिग्री, तो ये साइड होगी बेस, ये 90 डिग्री के अपोजिट ये होगी हाइपोटेन्यूस, और ये होगी आपके पास परपेंडिकुलर. तो हमें ये परपेंडिकुलर निकालना, जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखते हैं और जो कि बने नीचे, तो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस दैट विल बी व्हाट, साइन थीटा. तो आपने ये कहा इन राइट ट्राइंगल ए बी एम हमारे पास आर परपेंडिकुलर निकालना, उसको ऊपर रखा और डिवाइडेड बाय 2a, तो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस आपके पास साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस. सो इट मींस दैट आर परपेंडिकुलर टू द 2a साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड से. हमने आर परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, लेकिन अब जो ये टॉर्क है वो टॉर्क कितना रहेगा, नाउ टॉर्क ऐसे लिखते हैं फोर्स इनटू लेंथ ऑफ आर्म मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ आर्म. तो फोर्स तो हमारे पास है कितना, मैग्नीट्यूड बताइए QE, और लेंथ ऑफ आर्म हमने निकाला कितना, 2a sin थीटा. तो ये हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन हुआ. तो इक्वल टू, देखिए 2a को मैं q के साथ लिख देता हूं, सो 2aq और e और sin थीटा. व्हाट इज 2aq, 2aq डाइपोल मोमेंट होती है जिसको हम p लिखते हैं. सो आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन बना, तो इज इक्वल टू pe sin थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. और अब अगर हम p जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में एंगल कितना मान रखा है, थीटा, और p और e दोनों ही वेक्टर है, एक डाइपोल मोमेंट होगी p वेक्टर और एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e वेक्टर, और उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो p से हम e क्रॉस करेंगे, तो हमारे पास जो कॉर्क स्क्रू रूल होता है उस कॉर्क स्क्रू रूल से हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं. सपोज आपके पास p और ये हो गया e और ये एंगल थीटा, तो p से e क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन हमारे पास किसकी रहेगी, कॉर्क की डायरेक्शन आ सकती है. तो हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू ई क्रॉस ई. अभी टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करके, इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करेगा और रोटेट करके फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा. नाउ दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन, विल टेंड टू अलाइन the dipole in the direction more or less field की direction के parallel करने की कोशिश कर लगेगा, लगा रहेगा कि field की direction के parallel. हम रखेंगे dipole इस position पे, torque करते field के parallel, यहाँ रखेंगे torque करते field के parallel. इसका मतलब field में किसी position पे रखना है तो इस torque के अगेंस्ट हमें कुछ work करना पड़ेगा, और वो work इस dipole को इस field के अंदर एक potential energy देगा in the direction of electric field. तो ये तो दोनों point अपने ध्यान रखें, torque is equal to P sin theta और torque acting on the dipole. So now our next article is the potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. As in the previous article, we have seen that whenever dipole is placed in a uniform electric field, then it experiences a torque of magnitude P E sin theta. And the tendency of this force is what? It will tend to align the dipole in the direction of electric field. Electric field ki direction ke parallel lane ki ye bharsak koshish mein laga rehta hai. Aur is torque kyunki P aur E ka cross se likha hai, to P aur cross E cross ki direction hai, se board ke plane ke inward se rotate se likhi hai torque ki direction hogi. Aur is torque ki direction ko hum
जो राइट एंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल से लिखते हैं, जो कि आपने इंडोस्टम के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर देखा है। अब हम बात करना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट यूज होगा टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। तो आपने ये मान लिया कि सपोज हमारे पास कोई एक डाइपोल है और डाइपोल की रोटेशन लिख दी पी इज इक्वल टू ए क्यू, सच दैट इसकी जो डाइपोल मोमेंट है पी इज इक्वल टू टू ए क्यू हो गया, और इस डाइपोल को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने ये डायपोल है, डायपोल में फील्ड और उसके साथ थीटा एंगल बनाकर किसे रख दिए। अब आप ये कहोगे कि जैसे ही डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर तो एक टॉर्क काम करता है पी क्रॉस ई, और वो टॉर्क कोशिश ये रखता है कि इसको इसके फील्ड के पैरेलल ले आए। इसका मतलब ये फील्ड के पैरेलल ले आएगा, यहाँ ले आएगा इस पोजिशन पर, लेकिन रखना मैं चाहता हूँ यहाँ पे, टॉर्क एक्ट करेगा टॉर्क यहाँ ले आएगा, तो मेरे को फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इसके अगेंस्ट मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि इस पोजीशन पे रखना चाहे, तो इस वर्क को मैं छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में कैरी आउट कर लेता हूँ से थीटा वन इज इक्वल से थीटा टू तक, और इस इंस्टॉलमेंट्स को मैं छोटी छोटी किस्तों में छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी थीटा में करता हूँ। और आपको पता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी स्मॉल होगा डी डब्ल्यू, और किसके अगेंस्ट इस टॉर्क के अगेंस्ट, वो टॉर्क है टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो अब आपने जब डाइपोल को फील्ड में रखा, फील्ड में रखते ही देन ए टॉर्क टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पे एक्ट करेगा और इसकी टेंडेंसी क्या होगी विच विल टेंड टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉर्क के अगेंस्ट हम तो चाहते हैं कि इस थीटा पोजीशन पे रख दे, लेकिन टॉर्क यही भी आता है फील्ड में रखते ही, तो इसका मतलब हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क हम लेट अस से थीटा इंस्टॉलमेंट्स में कर देते डी थीटा के इंस्टॉलमेंट्स में। नाउ इन ऑर्डर टू प्लेस the dipole at position से मान लो थीटा वन से और थीटा टू के बीच में मैंने कोई थीटा पोजिशन मान ली, थीटा पोजिशन पे रखना चाहते हैं, सो इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। सो द वर्क डन इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, और वो इंस्टॉलमेंट्स हमें कितनी मान ली हुई डी थीटा की, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स डी थीटा, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो वर्क होगा दैट विल बी आल्सो स्मॉल, और वर्क जैसे हम लीनियर में लिखते थे लीनियर डायनेमिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो यहाँ पे फोर्स का जो रोटेशनल वाला होता है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा लिखेंगे इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट से टॉर्क की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, दैट विल बी व्हाट पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम देखते हैं कि इस टॉर्क के लिए जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इतना है डी डब्ल्यू, लेकिन हमने टोटल वर्क निकालना फ्रॉम पोजीशन थीटा वन से थीटा टू, सो टोटल वर्क डन, देन टोटल वर्क डन डब्ल्यू दैट विल बी द सम ऑफ स्मॉल वर्क्स, लेकिन आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ले रहे तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, और स्मॉल क्वांटिटीज का जोड़ के ऑफ नथिंग बट इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दे का साइन हो जाएगा, तो डब्ल्यू विल बी इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, एंड व्हाट इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डी थीटा है तो डी थीटा की लिमिट हमारे पास थीटा वन से थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू पोजिशन पर ले जाना चाह रहे, तो ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम
पहले यहाँ वेरिएबल डी थीटा है तो साइन थीटा की टर्म तो जिसमें थीटा है वो तो अंदर रहेगी, बाकी बाहर, तो आपके पास पी ई बाहर आ जाएगा और दैट विल बी इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू और साइन थीटा डी थीटा। आपको पता होगा कि हमारे पास 11th क्लास में हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो आपके पास दैट इज विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई और ये आ गया माइनस कोस थीटा और इसकी लिमिट होगी थीटा वन से थीटा टू। इस माइनस साइन को मैं बाहर डाल देता हूँ, माइनस पी ई और ये लिमिट होगी कोस थीटा वन से लेकर के थीटा टू। वेरिएबल को रिप्लेस करें अपर लिमिट से, क्योंकि वेरिएबल डी थीटा था तो इस पर लिमिट थीटा वन और थीटा टू लिमिट थी, वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस कर फिर वेरिएबल को लोअर लिमिट से, तो वेरिएबल रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट एंड दैट इज माइनस पी ई। सो वर्क डन ये आ गया आपके पास और दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ potential energy see you. So u is equal to minus p or cos theta 2 minus cos theta 1। अब थीटा वन और थीटा टू आपकी रेफरेंस पोजीशंस के अकॉर्डिंग है, अगर हम ये ले लेते हैं इफ थीटा वन इज इक्वल टू से 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू से जीरो थीटा, देन u इज इक्वल टू इस कंडीशन मान लेते हैं इसे थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको से फोर्थ, तो जिन यू इज इक्वल टू माइनस पी ई और कोस थीटा टू की जगह थीटा कोस 90 हो जाएगा जीरो डिग्री, कोस 90 जीरो हो जाएगा सॉरी, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा फाइव इक्वेशन। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। अब पी भी एक वेक्टर है, ई भी एक वेक्टर है, ए बी कोस थीटा और ए बी कोस थीटा क्या होता है ए डॉट बी, तो हम इसको यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट बना और डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। रिजल्ट जो हमने न्यूमेरिकल में यूज करना है वो ये यूज करना है यू इज इक्वल टू माइनस पी बी कोस थीटा। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए तो थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।